नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। मैं हूं आशी प्रतीक और बढ़ते हैं आज की खास खबर की तरफ। अब खबर दानापुर से है। दानापुर के गोला रोड के विश्वेश्वरैया नगर स्थित मगर कैंसर सेंटर की ओर से मरीजों की सेवा में समर्पित एक साल पूरा होने पर आज स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर अस्पताल के निदेशक सहित अन्य विभाग के डॉक्टरगण मौजूद थे। गौरतलब है कि मगध कैंसर सेंटर सुपर स्पेशलिटी टर्सरी केयर यूनिट 11 जुलाई 2021 को अस्तित्व में आया था। इस मौके पर मगध कैंसर सेंटर के निदेशक डॉक्टर रिदु शर्मा ने बताया कि डीएम ओनको के कुशल नेतृत्व में मरीज आज सफलतापूर्वक कैंसर मुक्त जीवन का आनंद उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मगध कैंसर सेंटर किफ़ायती दर पर मरीजों को विश्व स्तरीय देखभाल और उपचार प्रदान कर रही है। उन्होंने आगे बताया कि मगध कैंसर सेंटर कैंसर के मरीजों के लिए समर्पित 40 बिस्तर का अस्पताल है, जो सर्वोत्तम बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी से लैस है। यहाँ स्तन कैंसर, सिर और गर्दन के कैंसर, रक्त कैंसर, फेफड़ों के कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ओरल कैंसर, बाल चिकित्सा कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए अनेक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस मौके पर कैंसर सर्जन डॉक्टर हिमेंद्र कुमार मोदी, हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी के हेड डॉक्टर निर्धूम स्टेटस पे पेशेंट को ऑपरेट करने के लिए जा रहे हैं। अगर आप कैंसर में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको R0 डिसेक्शन उसको कहते हैं कि आपका निगेटिव मार्जिन आप ले पाते हैं कि नहीं हो। नॉर्मली जैसे बहुत बार आप सुनते हैं गोल बर्डर का लोगों ने लैब खोली कर दिया, ये कर दिया, उसके वो मार्जिन पॉजिटिव आ गए। तो अगर सर्जरी कैंसर का कंप्लीट सर्जरी तभी है जब तक वो R0 डिसेक्शन नहीं होता है। तो प्रॉब्लम फेसिंग ये होता है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं रहता है, पहला। दूसरा, लोगों को डायग्नोसिस करने में कहीं ना कहीं त्रुटियाँ होती है, फाइनल स्टेज पहुंचने में त्रुटियाँ होती है। तो हमारा पर्पस ये होता है कि जब भी कैंसर का कोई पेशेंट आए तो उसको पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करो, फिर उसको अगर पॉसिबल है मान ली स्टेज 3 या 4 में है तो कीमो देके उसको स्टेज डाउनग्रेडिंग करो, फिर जाके सर्जरी प्लान करो। सर्जरी प्लान करने में हमें ये देखना होगा कि क्या कौन सा है, क्या चीज़ उनको, कितना क्वालिटी ऑफ लाइफ हम दे सकते हैं। कुछ केसेस होते हैं जिसमें कि लगता है कि सर्जरी के बाद भी क्वालिटी उनको नहीं दे सकते हैं, तो हम लोग उसमें पैलेटिव ट्रीटमेंट के लिए और जाते हैं, पैलेटिव सर्जरी होती है। तो यानी अभी बेसिकली ये है कि पूरा सर्जरी पूरा कॉन्कोट जो है वो टाइम बेस्ड और क्वालिटी ऑफ पेशेंट, ये दो चीज़ के बेस पे।